अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आगाज़ हो रहा है यहाँ सिंघाड़े इंजॉय करने से। तो यहाँ पर मैंने सिंघाड़े बॉईल करके रख दिए थे और ये ठंडे हो गए थे, तो अब हम इसको इंजॉय करेंगे। मुझे तो सिंघाड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, आप में से किस किस को पसंद है ज़रूर बताइए। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है सिंघाड़े खा चुके थे, खा के फारिग ही हुए थे कि डोरबेल बजी और डोरबेल पे जब जाकर देखा कौन आया है, तो देखा कि मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है वो उमरा करके आए थे, तो वो हमें ही देने आए थे उमरा मुबारक तबरुक। और ये जो है ना, मुझे इसकी पैकेजिंग इतनी प्यारी इतनी क्यूट लगी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करती हूँ। तो जो है ना, आजकल कितने यूनिक और नए नए स्टाइल से आने लगे हैं ये तबरुक बांटने की चीज़ें, कि इतना खूबसूरत भी लगता है, देने वाले को भी अच्छा लगता है और लेने वाले को भी अच्छा लगता है। तो ये ब्लैक कलर का है, शॉपिंग बैग कपड़े का है ये, और इस पर वाइट कलर से लिखा हुआ है उमरा मुबारक। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से हैंड कैरी बैग है और इसके अंदर से इस तरह से है ये ट्रांसपेरेंट शॉपिंग बैग। तो उमूमन हम लोग इसी तरह से ही इसमें देते हैं। तो इसमें है 7 to 8 खजूरें, इसमें अजवा खजूर भी है और आबे जमजम है, तस्बी है और इतर है। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तस्बी देखें कितनी खूबसूरत और कितनी लाजवाब है, मतलब वहाँ की तो हर चीज़ ही खूबसूरत और यूनिक होती है ना। ये देखें, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। इस तरह के बेबस तस्बी नहीं थी, लाइट और डार्क ब्राउन के साथ कॉम्बिनेशन है इसका, और बीच बीच में गोल्डन मोती दी हुए। तो ये वुडन की है ये तस्बी, और ये देखें मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोग को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत ही खूबसूरत है ना। इंशाल्लाह ताला अब मैं इस तस्बी से पढ़ना शुरू करूँगी। मेरी मदर इन लॉ कहती है घर में जितनी भी तस्बी हो ना, सबको इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे पढ़ना चाहिए। इसी तरह से कुरान शरीफ के बारे में भी कहते हैं। तो ये आप लोगों ने तस्बी देख ली, इसको यहाँ रखती हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ इतर। अच्छा, इतर की भी इन्होंने बड़ी बॉटल दी है, वरना लोग उमूमन छोटी बॉटल लेते हैं। क्या नाम है इसका? अमीरुल ऊद। तो मैं आपको दिखाती हूँ, स्मेल तो ज़ाहिर मैं आप लोगों को चेक नहीं करा सकती। ये देखें, ये वाली इसकी है बॉटल, और हस्बैंड ने चेक किया था तो कह रहे थे कि काफ़ी अच्छी इसकी स्मेल है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। तो जिन्होंने, मैं तो नहीं जानती, हस्बैंड के फ्रेंड ने, और वो अभी जो है मेरे व्लॉग्स वगैरह भी देखते, क्योंकि अभी मेरे फ्रेंड ने बताया नहीं है अपने फ्रेंड्स में, हस्बैंड ने मेरे, कि मैं इस तरह से व्लॉगिंग कर रही हूँ। क्योंकि आपको पता है जहाँ कुछ लोग अप्रिशिएट करने वाले होते हैं, वहाँ कुछ लोग जो है और बातें भी बनाने वाले होते हैं। तो अभी तो मैं यूट्यूब की बहुत ही ग्रोइंग स्टेज में हूँ, इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी और सक्सेसफुल हो जाऊँ जहाँ तक मैंने सोचा है, फिर इंशाल्लाह ताला सबको बताएँगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो। और ये आप लोग को कैसा लगा इसकी पैकेजिंग? मैंने आप लोग को ओपन करके भी दिखाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो जी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगस्त में थी मेरी और हस्बैंड की वेडिंग एनिवर्सरी। तो हमेशा की तरह कुछ गिफ्ट वो मुझे देते हैं और कुछ गिफ्ट मैं उनको देती हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाना भूल गई थी। अभी मैं अपनी कबर्ड से ही करी थी तो मुझे ये हाथ लगे, तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ ये भी शेयर करती हूँ। तो ये दोनों गिफ्ट जो हैं वो मैंने हस्बैंड को दिए हैं, और हस्बैंड ने मुझे ड्रेस दिया है जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उनको क्या दिया था। तो मैंने उनको दिया था ये सैंड एंड स्टोरी का है, जो कि आजकल काफ़ी इन है वैक्स परफ्यूम। तो ये मैं गई थी लकी वन और ये मैं वहाँ से लेकर आई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और ये परफ्यूम वैक्स है और ये ऊद वार है, क्योंकि ऊद उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ऊद मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों को पसंद होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और ये वैक्स परफ्यूम है, और इस तरह की जो है ना ये कंटेनर में आता है, ये पूरा फुल हुआ हुआ है ये देखें। और इस तरह से आप इसको जो है ना अपने एयर कान के पीछे लगा लें, अपने रिस्ट पे लगा लें, और ये काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्ट भी है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगा। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसकी प्राइस बता दूं, ये है 1050 का। तो ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल भी लगा, क्योंकि 1050 में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी तो आई थिंक बहुत है, क्योंकि आराम से जो है ना 2 से 3 साल तो चल ही जाएगा। क्योंकि ये आपको पता है बहुत थोड़ा सा लगाना है, बस इस तरीके से करके आप लगाएंगे तो बहुत चलेगा। इसकी स्मेल भी अच्छी, यकीन करें मैंने अभी खोला हुआ है ना, तो फुल फ्रेगनेंस आ रही है इसकी। तो मैंने प्राइस इसलिए बताए हैं ताकि अगर आपने अपने फादर को, ब्रदर को, हस्बैंड को गिफ्ट करना हो तो आप लोग के लिए ईजी हो जाए। और ये बॉक्स में आता है, ये उन्होंने यूज़ कर लिया है, ये खुला हुआ था तो मैंने आप लोग को दिखाने के लिए।
तरह से रख के दिखाई, उन्होंने मुझे इस तरह से दिया था, तो ये बहुत अच्छा है। और मैंने एक अपने लिए भी लिया था, वो जो है वो हेवनली वाइब्स करके कुछ है, तो वो फीमेल का है, और ये मैंने हस्बैंड के लिए लिया था। और एक अदद मैंने उनको दी थी, ये जलबरी से शर्ट मैंने जलबरी से ली थी, उन्होंने पहन के ट्राई कर ली थी। मैंने कहा था भाई साइज़ चेक कर लिएगा, क्योंकि फिर उन्होंने कहा था कि ये जो है ना एक्सचेंज नहीं होती, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसको ओपन कर। दूसरी चीज़ मैंने दी थी ये जलबरी की शर्ट, ये है एक्वा ब्लू कलर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखते ही कहते ना कोई चीज़ एक नज़र में पसंद आ जाती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये कलर ना उनके पास था भी नहीं। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, और ये देखें, ये मैं इसके प्राइस भी आपको बता दूँ। ये है कहाँ लिखा हुआ, ये रहा ब्लर हो रहा है फोकस, ये रहा 1290, 1290 की है ये शर्ट। और ये मैंने कौन सा साइज़ लिया था उनका, ये मैंने लार्ज लिया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इस तरह से कॉलर पे ना ब्लैक एंड वाइट बना हुआ था, और वैसे बिल्कुल सिंपल सी है, और ये शर्ट पे भी ब्लैक एंड वाइट है, और इस तरह से ना लाइन सी बनी हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ना मुझे, और ये कलर भी नहीं था उनके पास। तो ये देखें, ये है इसका लुक, और ये लार्ज मैं एक्सल ले रही थी, मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, तो ये मैंने लार्ज लिया, तो ये उनके बिल्कुल सही आए, ये देख लें इसको। अच्छा, प्राइस बताने का ना फ्रेंड्स मकसद ही होता है कि अगर आप लोग किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग जब बाय करें तो आप लोग के लिए इजी हो जाए। कोई खुदा ना खास्ता इसको शो ऑफ में ना ले लीजिएगा कि प्राइस बता के शो ऑफ करें, ऐसा कोई मकसद नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि प्राइस बता दिया करें तो हमें ना लेने में बड़ी आसानी हो जाती, तो इसलिए मैं प्राइस बताए मैंने, ठीक है। तो ये दो चीज़ें दी थी मैंने उनको, अब मैं आपको दिखा दी कि उन्होंने मुझे क्या दिया था। तो उन्होंने मुझे दिया था ये एक अदद सूट, ये देख लें, और इसके यहाँ पे ये प्राइस भी मेंशन है, और ये बहुत ही खूबसूरत कलर है, ये है मस्टर्ड गोल्डन कलर का सूट है, पूरा ट्राउज़र और शर्ट, और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक दुपट्टे के साथ है, जिसकी वजह से बहुत प्यारा बहुत हसीन लग रहा है, और ये कलर मेरे पास था भी नहीं। तो ये देखिए, आपको ओपन करके दिखा दी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता है, और अभी इतना कुछ समझ में आएगा भी नहीं, तो इंशाल्लाह जब ये स्टेज उठ के आ जाएगा ना, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा इरादा है कि मैं इसको ईद पर सुबह में या सेकंड डे इस तरह से पहनूंगी इसको, तो इंशाल्लाह मैं स्टिच करवाऊंगी इसको, और बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा लगा था मुझे भी, मेरी मदर इन लॉ को भी काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, हस्बैंड या मैं जब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, तो हम लोग की कोशिश यही होती है कि हम लोग वही कलर दें जो हो नहीं ना हस्बैंड के पास या मेरे पास, वैसे तो होता है, लेकिन ये होता है कि बहुत अर्से पहले बनाया है या बहुत पहले का पहना हुआ है, तो उसमें तो ये मुझे उन्होंने दिया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। वंस अगेन थैंक यू सो मच अभी फ्रेंड्स, बड़ी माजरत अगर आपको गली से ना शोर की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं, तो मैं अभी शूट कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जो मदर्स होती है ना उनके पास यही टाइम होता है। अच्छा, ये सूट मैंने आपको नहीं दिखाया था, अभी पिछले दिनों मेरा भाई गया था कश्मीर टूर पे, तो वहाँ से वो मेरे लिए सूट लेकर आया था, तो मैंने आप लोगों को आयशा नाया और मनाहिल के दिखा दिए थे, अपना नहीं दिखाया था। तो अभी मैंने सोचा कि मैं आपको लगी हार ये भी दिखा देती हूँ, ये उसने इस्लामाबाद से लिया था, क्योंकि पहले ये लोग इस्लामाबाद गए थे और फिर वहाँ से लोग कश्मीर गए थे। तो ये देखें, ये है इसका सिंपल सा ट्राउज़र, और ये आई थिंक रेड कलर को आ रहा है, पर ये रेड कलर नहीं है, ऑरेंज रस्ट कलर होता है ना, ये वो कलर है, बहुत ही खूबसूरत। और इत्तेफाक की बात है कि ये कलर भी मेरे पास नहीं था। तो ये इसका है सिंपल सा ट्राउज़र, और ये है इसका दुपट्टा, और ये इसकी शर्ट, ये क्योंकि खुला हुआ ये, तो चले मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जो है ना मेरी मदर इन लॉ को भी बड़ा अच्छा लगा, वो कह रही थी बड़ा अच्छा सूट लिखा है तुम्हारा भाई। तो ये देखें इस तरीके से है, ये है इसका फ्रंट, ये इसका फ्रंट है, ये पूरा जो है ना प्रिंटेड है ये, और इसके नीचे से इस तरह से शेडेड है, पहले रस्ट ऑरेंज, फिर लाइट येलो, फिर लाइट ग्रीन, और फिर ये डार्क ग्रीन, और ये है इसका दामन, ये देखें इस तरीके से है। और अभी मैं दोबारा देख रही हूँ ना, तो मुझे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये इसका है बैग, ये मैं आपको बैग भी दिखा दूँ इसका, ये देखें ये है इसका बैग, बैग पे भी इसी तरह से शेडेड आ रहे हैं, और ये है इसकी स्लीव्स, यहाँ से लाइन निशान बना हुआ है, तो यहाँ से ये है इसकी स्लीव्स, ये देखें ये पूरा इसका ओवरऑल लुक है। अच्छा, और अब मैं आपको दिखा दूँ उसका दुपट्टा, जो कि सूट की जान है, और कहते हैं ना स्टार ऑफ द शो, ये वो है। ये देखें दुपट्टा भी जो है ना, ये इसी तरीके से ही है कि पहले ऊपर डार्क, फिर लाइट, फिर नीचे लाइट, इस तरह से। और इसको भी ना मैं इंशाल्लाह ईद के दिनों में ही सिलवाऊंगी, थर्ड डे या सेकंड डे से पहनूंगी, क्योंकि इसमें देखें ये जो है ना गोल्डन गोल्डन सी जरी की लाइन जा रही है, देखें
ये दिख रहे हैं आप लोग को। तो और इसके चारों तरफ ना मैं बड़ी खूबसूरत सी पीको बनवाऊंगी। आजकल आपको पता है कितनी अच्छी अच्छी और स्टाइलिश सी पीको आई हुई हैं। तो इंशाल्लाह जब ये स्टिच हो जाएगा तो फिर मैं आप लोग को उसको दोबारा दिखाऊंगी। तो ये मुझे आप लोग को रह गया था दिखाना, तो आज मैंने आप लोग को ये भी दिखा दिया। तो आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगे।